जागरण समिति की जो संस्थापक हैं सम्मानीय आदरणीय हमारी माता जी, जिनके कर कमलों के द्वारा अपनी बिटिया का माता जी ने स्वागत किया है। जय हो। एक अंग वस्त्र है और पुष्पमाल है, साथ में 100 मुद्राओं का स्नेह प्रदान किया है। क्या बात। मैं चाहता हूँ कि एक बार माता जी के सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, तालियों में कंजूसी नहीं करना। बहुत बहुत साधुवाद है और आकांक्षा है कि इसी प्रकार आपका ये आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी ओर से। भैया ऑपरेटर जी थोड़ा इधर आइए। आप आइए भैया, आपका स्वागत हो जाए। या तो स्टैंड हटा लीजिए, इसको इसी पर रख ले, नहीं तो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि टेबल में इतनी जगह नहीं है। सही है। स्टैंड निकालो, कोई दिक्कत नहीं। टेबल छोटी है। अरे ये निकाल दो भाई। अच्छा बंद है। हेलो, अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें मेन माइक का। क्या बात है भैया। और ढोलक पर जो बेस लगा उसका भी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। बढ़ा भैया। हारमोनियम वाले माइक का भी वॉल्यूम बढ़ाइए। वॉल्यूम में कंजूसी ना करिए भैया, बढ़ाए रखो। जितने भी महान भाव श्रोतागण, बड़े बुजुर्ग माता बहने यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का आभार व्यक्त कर रही हूँ। और सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा वंदन गीत अपनी ओर से माँ के चरणों में प्रस्तुत कर रही हूँ। सही, तो सुनिएगा आप लोग। सुनिए बच्चे, ध्यान दें। मेन माइक की आवाज बढ़ाओ भैया। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हो बढ़िया। और हमारे फिरोजाबाद से चल करके आए हमारे संजय भैया। क्या बात। जिनका ये यूट्यूब चैनल लगा हुआ है केएस म्यूजिक चैनल, मैं हृदय से उनका भी आभार व्यक्त कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे विजय भैया जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आने के लिए। बिल्कुल। क्या बात। क्षमा चाहूंगी, शुरुआत में देख नहीं पाए थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठे थे तो शुरू जिसका। एक बार मैं चाहूंगी
जितने भी हमारी माताएं बहने भैया लोग दादा लोग बैठे हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले क्योंकि आप सभी लोग इस माता रानी के जगराते में आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक बार माता के नाम पर आप सभी लोग उनका जयकारा लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको माता रानी ने दो हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। जिनको दिए हैं हाथ वही उठाएंगे। जिनको नहीं दिए वो खड़े हो जाएंगे मगर अपनी जगह। जिनको दो हाथ मिले वो दोनों उठा ले, जिनको एक मिला एक ही उठा ले, नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन जयकारा सभी लोग लगाएंगे। दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय हो। दरबार की जय हो। दरबार की जय हो। बोलो सच्ची सरकार की जय हो। जय हो। जय हो। अब लगा समान भैया श्री रमेश चंद जी आप खुजौली से हैं और आपके द्वारा 51 रुपए का स्नेह आया है। हृदय से भैया जी को नमन है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। लेकिन सुने माता रानी के एक छोटा सा वंदन गीत अपनी ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल सुने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदे तुषारहा धवलाया शुभस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित कराया श्वेत पद्मा शंकर प्रभुदेव सदा वंदिता सामांबा सरस्वती भगवती निशेष जाड्या क्या बात है मुकेश भाई। भक्त माँ के दरबार में जाने के लिए तमाम जाते हैं और जब तमाम भक्त होते हैं तमाम इच्छाएं भी हो जाती हैं। कोई दरबार से बंगला गाड़ी मांग रहा है, कोई धन दौलत मांग रहा है, कोई संतान मांग रहा है, तो कोई कुर्सी मांग रहा है। लेकिन भैया सबके भंडार भरती हैं, सबकी झोली भरती है, वो सबकी सुनती हैं। तो हम बच्चे भी उस माँ की शरण में आए हैं और अगर थोड़ी सी दया दृष्टि उस माँ की बच्चों पर भी हो जाए तो हम बच्चों का भी कल्याण हो जाए। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं उस जगत जननी माँ बिना वादनी का आह्वान कर रही हूँ और निवेदन है माँ आज की रात आप जहाँ कहीं भी हैं आप चली आइए और आकर के मेरे इस मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए, माँ लाज बचाइए। जय आओ माता आओ। आओ मैया। अब चूंकि कहते हैं कि वंदना में फिल्मी धुन बताना कोई जरूरी नहीं है लेकिन जो गीत मैं आपको सुना रही हूँ आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई फिल्मी धुन है बल्कि ऐसा लगेगा कि यही वंदना है क्योंकि बहुत से ऐसे गीत हैं जो फिल्मी दुनिया वालों ने गाए हैं। तो एक गीत आया कौन सा बेटे और कहा क्या कहा क्या कहा सुना है मैंने माँ का
और हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारी गण, हमारे राकेश भैया, हमारे बप्पू भैया, अंकुर भैया, संजय भैया, सभी लोग पधारे हैं और व्यवस्था कराई जाए। बिल्कुल, ढोलक की चाटी बढ़ा दो भैया, थोड़ा भैया बढ़ा दो, मैं बार बार ना करना पड़े। सरोज कश्यप जी, आप यही मऊ से हैं। बिल्कुल, 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदान हो रही है। आदरणीय बहन जी को हार्दिक हार्दिक नमन है, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए सुनिए। जहाँ मैंने उस माँ को पाया है, बिल्कुल जैसे 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 तुलसी की चौपाई में तुम हो, सवैया में भी आप हो, तो मीरा के पद सवैया में तुम ही गागर के सागर में। और जब सब जगह आप ही है माँ, तो निवेदन है, क्या निवेदन है, जो स्वर का सार दे मैया,
आपके चरणों में ये अंतिम पंक्तियां अपनी ओर से भेंट कर रही हूँ। भैया हमारे सम्मान श्री देवेंद्र सिंह जी, आप यही मऊ से हैं और 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से प्रदान हो रहा है। बिल्कुल बड़े भाई को हृदय से नमन है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। लेकिन सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे आपके दरबार में जो भी आया आपने कभी किसी को निराश नहीं किया है माँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सबके भंडार भरे है, सबकी झोलियाँ भरी है माँ, तो आपने हम बच्चों को भी बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? और हम बच्चों को क्या दिया है आपने? क्या? कि मेरे जीवन की बगिया को ओ कह पा रहे हैं, कुछ गा पा रहे हैं, तो ये आपकी महिमा है माँ। तो निवेदन है कहना क्या? जो तन मन वार दे मैया को, ऐसा परिवार दे मैया को, मेरे स्वर को सजा दे माँ, मधुर वीणा बजा दे हमारी ओर से माँ के चरणों में एक छोटा सा वंदन गीत रहा। परम पूज प्रातः स्मरणीय पूजपाद परमात्मा आराध भगवान श्री शोभन सरकार महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन कर रहा हूँ। जय हो। नमन कर रहा हूँ देवी स्वरूपा माताओं बहनों के श्री चरणों में। परम सदे आशीर्वाद ले रहा हूँ गुरुवर दादा श्री संतोष राही जी का एवं दूर दराज से आए कीर्तन श्रोता कीर्तन कलाकार सभी को हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ। स्वागत कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ परम सदे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से चलकर आए
हमारे दादा परम सिद्धे पंडित पप्पू शर्मा जी, बड़े भैया राकेश वर्मा जी, भैया हमारे अंकुर मिश्रा जी, परम सिद्धे हमारे भैया संजय आप्टिकल जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक साहब परम सिद्धे हमारे राम किशोर भैया जी, आपको भी नमन वंदन कर रहा हूँ। आपके पूरे परिवार को हृदय से नमन वंदन करते हुए, स्वरों की प्रदायिनी माता सरस्वती का आह्वान करते हुए, उनकी पावन छवि को हृदय में विराजमान करते हुए, जय हो 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करते हुए चला हूं। आज की रात सहयोगी पार्टी की भूमिका में एक बड़ी सुरीली कीर्तनकारा, बड़ी सक्षम कीर्तनकारा, बड़ी सभ्य कीर्तनकारा, बड़ी अद्भुत महान कीर्तनकारा आदरणीय श्रीमती राखी आजाद जी, उनको उनके सक्षम साथियों को हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। एक बार पुनः हमारे जो भी अतिथि महोदय लोग आए हैं उनको नमन वंदन कर रहा हूँ। सामूहिक रूप से हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। आज की रात हम दोनों कलाकारों में एक तीसरे कलाकार जिनके आगे हम दोनों कलाकार हैं बेकार, भाई हमारे साउंड सर्विस के ऑपरेटर साहब, बेहतरीन व्यवस्था है आपकी, आपको नमन वंदन कर रहा हूँ। ऑपरेटर प्रोपराइटर और आपके संगीत साथी जितने लोग हैं सभी को नमन वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। आज हम दोनों कलाकारों को जो अपने कैमरे में कैद करेंगे, बड़ी दूर दूर हम लोगों को फैलाएंगे, हमारे संजय चाचा जी फिरोजाबाद, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, भाई बेल आइकन बजाना मत भूलें। बिल्कुल बिल्कुल, आइए चल रहा हूँ ज्यादा कुछ ना कहते हुए। कानपुर महानगर की बहुत ही छोटी सी पार्टी मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे भाई गणेश भैया जी, गणेश फौजी, आपको भी नमन कर रहा हूँ। कानपुर महानगर से आई बहुत ही छोटी सी पार्टी सचदेवा सराजन पार्टी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है। इस रात भर के कार्यक्रम में अगर हम बच्चों से कोई त्रुटियां हो जाए तो अपना अबोध बालक जानकर क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। यही नहीं, पुराना खिलाड़ी आ गया। सम्मान होने जा रहा है बहुत ही सुरीले गायक और कम उम्र में बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी आदरणीय दादा संतोष राही जी के योग्य शिष्य सचदेवा सराजते जी। ओके, एक जोरदार ताली हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी ठीक रखिए भैया माइक, कुछ हीरो को भी लेके आएंगे हम, हीरो ऐसे नहीं आएंगे पंपों से चल के। सही, हाँ तो ठीक रखिए, ठीक रखो भैया, हीरो के साथ विलन भी आएगा। अमरदीप जी और आदरणीय बड़े भाई गणेश जी के तरफ से करकमलों द्वारा स्वागत हुआ सचदेवा सराजती जी का। हेलो 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 हेलो, आइए चलाओ माँ भाई के चरणों में छोटी सी वंदना को लेकर। बिल्कुल बेटे, जो भी सम्मान मिला है हमारे अमित अमरदीप भैया और हमारे गणेश भैया तरफ से जो भी आशीर्वाद मिला है मैं नमन वंदन कर रहा हूँ। और एक बार पुनः यहाँ मौजूद जनता जनार्दन सभी को नमन वंदन कर रहा हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच सभी पदाधिकारी गणाए हैं, सभी को प्रणाम नमन वंदन कर रहा हूँ। आइए चलाओ महामाई की वंदना की ओर। हाँ चलो बेटे,
वाह बेटा, इतना परेशान ना हो, एक ने एक तुम भी पुराने हो जाओगे, आराम से तसल्ली रखो बेटे। गजाननम भूत कपीत जम्बू फल चार उमा सुतम शोक विनाश कार में बिघने स्वर पाद पज वक्तुंड महाकाय कोटि सूर सम प्रवाह निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा जयंती मंगला काली जय हो भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा सुबोध प्रभावेण सोशयाम भवार दिम ओम नमो नित्यम परमहंसम गुरु श्री चंडिका यही नमो नमः ओम नमो जानवी पांडव सिद्धपीठ अम्बक्सरम श्री चंडिका मंदिरम नमः ओम नमो नित्यम समाधि गुरु नमो नमः शोभन मारुत नंदनम ओम नमो गुरुजनम देवम ईशम नमः शोभन मंदिरम चूंकि जवाबी का दौर है जवाबी का मंच है बिल्कुल तो हम सोच रहे जवाबी हम वंदना से ही चालू कर दें। ये क्या सोच है बेटे तुम्हारी, समय बचाओ और क्या है, चालू करो। ये कि सुना है मैंने माँ का दिल नहीं होता है पत्थर का
बजा दो माँ। हाँ बिल्कुल। और माँ सिर्फ बीड़ा बजाने से ही कुछ नहीं होगा। सचदेवा सरस्वती कह रहा है मैया मैया सुना है मैंने बच्चों को माँ बहुत प्यार करती है। अपने बच्चों को इनकार नहीं करती है। नहीं करती है बिल्कुल। तो आज सचदेवा सरस्वती मांग रहा है और मांग रहा है मैया मैया सुगम आगाज दे दो माँ, सुगम आगाज दे दो माँ, स्वरों का साज दे दो माँ, सुगम आगाज दे दो माँ, स्वरों का साज दे दो माँ, शरण तेरी मैं आया हूँ, मधुर आवाज दे दो माँ। बीड़ा बजाने से माँ मेरे कंठ में आपको आवाज भी देनी पड़ेगी, और जब देनी पड़ेगी शरण तेरी मैं आया हूँ, मधुर आवाज दे दो माँ। हंसकर संजय भैया उधर देख लो, फोटो बहुत हो सकता है। एक बार जोरदार ताली हमारे संजय भैया के लिए आप बजाते हैं। ये 200 रुपए का आशीर्वाद अनेकों पुष्माल हमारे लिए और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे छोटू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन वंदन कर रहा हूँ संजय भैया के लिए। कहना पड़ा क्या जान जाऊंगा कि हंसकर मेरा हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ, बहुत दर्द दिया है इस जमाने ने मुझको, बहुत दर्द दिया है इस जमाने ने मुझको, सब कुछ झेल कर जीना सिखाती है माँ। जिसे तू देख लेती है, जिसे
अस्वस्थ होने की आशंका तो नहीं पड़ रही है। हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से हमारे बड़े भैया गोपाल भैया और हमारे राजा भैया भी आए हैं, उनको भी नमन वंदन कर रहा हूँ। तो माँ मैं तो यही कह रहा हूँ, क्या ऊंची परवाज दे दो माँ, अरे ऊंची परवाज दे दो माँ, स्वर सरताज दे दो माँ, शरण तेरी मैं आया हूँ, मधुर आवाज दे दो देखी है। जब मैंने मुस्कुराती हुई अपनी माँ देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन अपनी माँ देखी है। अच्छी लगेगी कि कबीरा की बाड़ी में माँ तुम्हें चैतन्य के बस में, बिल्कुल प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की सारी मोहब्बत फिजूल है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो सच है, दुनिया की सारी मोहब्बत फिजूल है, अरे माँ की दुआ ही कबूल है, क्योंकि माँ के चरणों की धूल जन्नत की धूल है। संयोजक साहब, अध्यक्ष पत्रकार एसोसिएशन मोहनलालगंज, हमारे भैया दादा अशोक कुमार तिवारी की तरफ से इस बंदला लाइन पे 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना एक लाइन और दे रहा हूं, कहा कि मेरे हर कदम पे मेरी माँ की परछाई है। दादा अगर बात अच्छी लग जाए, भगवान के रूप में एक माँ ही तो हमने पाई है। बिल्कुल भगवान के रूप में एक माँ ही तो हमने पाई है। अरे तुम क्या सिखाओगे प्यार करने का सलीका, तुम क्या सिखाओगे
सलीका, मैंने माँ के एक हाथ से थप्पड़ तो दूसरे हाथ से रोटी खाई है। मुझे देख देख उसकी जा में जा आई, मुझे देख देख उसकी जा में जा आई, किसी को घर मिला किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी को घर मिला किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मेरी माँ आई।